फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बनारसी कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे किसी भी फंक्शन में भी वहाँ ज़रूर बनाया जाता है। ये वहाँ का बहुत फेमस रेसिपी है। इस सब्ज़ी को आप कभी भी बना के पूरी पराठे के साथ सर्व कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। कद्दू को कई नामों से जाना जाता है, कोई सीताफल बोलता है, कोई कोहड़ा भी बोलता है और कोई कद्दू बोलता है और पम्पकिन भी बोलते हैं। तो चलिए बताती हूँ कैसे मैंने बनाया इसको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर इंस्टाग्राम पर अभी तक आप लोग फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, पुष्पलता किचन 15। खट्टा मीठा कद्दू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 kg कद्दू लिया है। कद्दू का मैंने यहाँ पे ग्रीन वाला कद्दू लिया है और इसका मैंने छिलका उतार लिया है। आप चाहें तो छिलका नहीं भी उतार सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, पर हमारे यहाँ पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने उतार दिया। अब यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में हम बनाएंगे इसको, मस्टर्ड ऑयल में। यहाँ पे पंचफोरन का यूज किया है मैंने। पंचफोरन कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो भी मैंने टिप्स में दिया हुआ है, उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी हींग। हींग बहुत ज़रूरी है क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी है, ये कद्दू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। इसके बाद हमें इसके अंदर डाल देना है जो हमने पीसेस करके कद्दू लिए थे, उनको मैं डाल दूँगी। और उसको डालने के बाद फिर हमें इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है अदरक। अदरक को मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी पीस के भी पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाला है। ऑप्शनल है जीरा पाउडर, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर इसके बाद हम इसे मिला देते हैं। इसके बाद इसमें हम एक चीज़ और मिलाएंगे जिससे कि कद्दू का टेस्ट एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको हम कवर कर दिए हैं और 1-2 मिनट इसको इस तरह से हमें भूनना है। जब तक हम इसको भून लेंगे अच्छे से, मसाले भी इसके साथ में हमारे भून जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाटर। तो यहाँ पे मैंने वाटर ऐड कर दिया है। वाटर अब देख सकते हैं मैंने कितना, 1/2 कटोरी लगभग ऐड किया है, इतना कि जो हमारे ये कद्दू हैं वो थोड़े गल जाएं। और इसके बाद मैंने नमक डाल दिया है और अब हम इसको चला लेंगे। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। तो कवर करके हम 1-2 मिनट इसको पकने देंगे, फिर हम एक बार फिर से ओपन करेंगे और देखेंगे हमारा कद्दू गला है कि नहीं। तो यहाँ पे कद्दू थोड़ा सा गल चुका है, तो अब हम यहाँ पे वो ऐड करेंगे चीज़। ये डाला है मैंने मैंगो, क्योंकि अभी मैंगो आ रहा है, ये थोड़ा कच्चा पक्का मैंगो है, बहुत खट्टा भी नहीं है, बहुत वैसा भी नहीं है। और इसको मिलाने से क्या होता है कि इसका कद्दू का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास आम नहीं है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं अमचूर पाउडर। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मैंने यहाँ पे पिसा हुआ चीनी डाला है, आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। और अगर आपको नहीं पसंद है खट्टा मीठा तो आप केवल खट्टा बना सकते हैं, इसमें कोई मीठा ना ऐड करें। तो इस तरह से हमने ये सब्ज़ी बनाई है। तो बहुत सारा ऑप्शन है, जैसा आपको पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कद्दू बिल्कुल गल चुका है, सब्ज़ी हमारी अच्छे से रेडी देख सकते हैं आप, और कितना अच्छा कलर आया है और बहुत टेस्टी है। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ एक बाउल में। तो मैंने एक बाउल लिया है, अब मैं उसके अंदर मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी खट्टा मीठा कद्दू बनारस का फेमस रेडी हो गया है, मैंने सर्व कर लिया है। और इसको हम पूरी के साथ, पराठे के साथ और रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, खा सकते हैं। और कभी भी आपके यहाँ कोई फंक्शन हो तो भी बना सकते हैं। तो आपको ये कद्दू का खट्टा मीठा कद्दू की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।